यार बेबी, आज तुमने इतना देर क्यों लगा दिया आने में? क्या बताऊँ, ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो रहा था, वरना मैं कभी देर से आती हूँ क्या? वो तो है, हमेशा तो तुम जल्दी में रहती हो, वही तो सोचो आज इतना लेट कैसे हो गई। वैसे एक बात बोलूँ, आज तुमने बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। तुम्हें तो मैं हमेशा ही खूबसूरत लगती हूँ। अब प्यार किया है तो ऐसा तो बोलना ही पड़ता है ना बेबी। अच्छा सुनो, तुम काफ़ी थक गई होगी ना, तुम कुछ पियोगी? हाँ पियूंगी, लेकिन एक बात भी बतानी है तुम्हें। वो ना, मैंने मम्मी पापा से हमारी शादी की बात कर ली थी और मम्मी पापा राजी भी है। वो कह रहे थे लड़के को बोल देना अपने मम्मी पापा को लेके हमारे घर आ जाए। अरे शो शो, मैं आज ही अपने पेरेंट्स से बात करता हूँ और जल्दी तुम्हारे घर आता हूँ, ठीक है? हाँ। अच्छा तुम्हारे लिए कुछ मंगवाता हूँ मैं, ठीक है? सोनू जी मालिक, मैम साहब के लिए एक ठंडी कोल्ड ड्रिंक लेके आ। अभी लेके आया। अच्छा सुनो, मैं क्या कह रहा था, तू यहाँ क्या खड़ा है? अपना काम कर। जी मालिक, जा रहा हूँ मैं काम करने। अच्छा बेबी, ये लो कोल्ड ड्रिंक पियो। पी लियो। अच्छा वैसे वो कौन था? अरे ये नया नौकर है यार। अच्छा पुराना वाला कहाँ गया? अरे एक्चुअली ना वो अपने गांव गया है, वो उसकी मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी, हम मैं मना नहीं कर पाया तो इसलिए इसको रखा है। कब तक आएगा वो? अब कुछ पता नहीं, जैसे उसकी मम्मी ठीक हो जाएगी वो वापस आ जाएगा। लेकिन तुम इतना क्यों पूछ रही हो, क्या हुआ? अरे तुम्हें पता नहीं है कि आजकल ऐसे किसी को भी घर पे नहीं रखना चाहिए काम पर। ये नौकर कैसा हो कैसा नहीं, तुमने वेरिफिकेशन वगैरह करवाई थी ना? अरे छोड़ो ना, नौकर ही तो है, क्या बिगाड़ लेगा मेरा। तुम वो सब छोड़ो, तुम कोल्ड ड्रिंक पियो वरना गर्म हो जाएगी। हाँ पीती हूँ। अच्छा मैं कह रही थी ना, मैं वॉशरूम से होकर आती हूँ फिर पीती हूँ कोल्ड ड्रिंक। अरे पहले पी लो ना, उसके बाद चली जाना, थक गई होगी तुम। पहले वॉशरूम से आती हूँ ना फिर पी लूंगी आराम से। अच्छा ठीक है बाबा, जैसी तुम्हारी मर्जी। तू मुझे क्या इशारे कर रहा था, वो मत पीना। क्या कह रहा था? देखिए मैम साहब, जो कोल्ड ड्रिंक आपको मिली है ना, उस कोल्ड ड्रिंक में बीओसी की दवाई मिलाई हुई है। कह रहा है तू बीओसी की दवाई? कौन मिलाएगा मेरी कोल्ड ड्रिंक में बीओसी की दवाई? आपके बॉयफ्रेंड तुषार ने, उसने आपकी कोल्ड ड्रिंक में बीओसी की दवाई मिला रखी है। तेरा दिमाग खराब है, पागल वागल हो गया क्या? तुषार भला ऐसा क्यों करेगा, वो मुझसे बहुत प्यार करता है और हम दोनों एक दूसरे से शादी भी करने वाले हैं। और तू कल का आया नौकर इतनी बड़ी बात बोल रहा है अपने मालिक को लेकर। मैं पिछले 2 साल से जानती हूँ उसे और तू कुछ दिनों से ही जानता है। तुषार ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। मेम साहब मुझे पता था आप मेरी बातों पे विश्वास नहीं करेंगी, लेकिन आप मेरी बातों पे विश्वास कीजिए, वो तुषार इंसान नहीं हैवान है, हैवान। वो ऐसी दूसरी लड़कियों को प्यार के झांसे में फंसाता है और उनके साथ गलत हरकतें करता है। और बस मैं तो आपको बचाना चाहता हूँ। और आपको पता है पिछले नौकर के साथ क्या हुआ था? हाँ बताया मेरे को उसने, उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई है इसलिए वो गाँव गया हुआ है। नहीं मेम साहब, उसकी कोई माँ की तबीयत खराब नहीं थी, वो क्या है ना, उसने तुषार का गलत कामों में साथ देने से मना कर दिया था, तभी इन्होंने गुस्से में आकर उसको घर से बाहर निकाल दिया। और उसने मुझे जाते जाते एक बात बोली कि कोई ज्योति नाम की मेम साहब है, वो बहुत अच्छी है, उनके साथ कभी गलत मत होने देना। बस इसीलिए मैं आपकी मदद कर रहा हूँ और आपको वो कोल्ड ड्रिंक पीने से रोक रहा हूँ। अब आप ही बताइए, आपको बचाकर मेरा क्या ही फायदा? देख तो इतना बड़ा इल्जाम लगा रहा है तुषार पे, मैं बिल्कुल नहीं मान सकती कि तुषार, मेरा तुषार ऐसा कुछ काम कर सकता है। नहीं वो सिर्फ मुझसे प्यार करता है, किसी और लड़की पे तो उसकी कोई नजर ही नहीं है। देख अगर तू झूठ बोल रहा होगा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं तेरी बात पे विश्वास क्यों ही करूं बता? मेम साहब आप खुद बताइए, मैं झूठ क्यों बोलूंगा और आपकी जान बचाकर मेरा क्या फायदा? मैं तो बस इतना चाहता हूं कि आप किसी तरीके से इस हैवान से बच जाए, बस इसीलिए मैं आपकी मदद कर रहा हूं। आप मेरा विश्वास कीजिए। और मेम साहब वो आपसे कोई शादी वादी नहीं करने वाला, वो आपसे सिर्फ झूठ बोल रहा है और आपको अपने प्यार के झांसे में फंसा रहा है। वो हर किसी लड़की के साथ ऐसा ही करता है, हैवान है वो हैवान, आप उसके झांसे में मत फंसिए। सच में तुषार ऐसा है, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस इंसान से मैं प्यार करती हूँ, जो मुझसे इतने वादे करता है, वो ऐसा निकलेगा। अब मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैं एक काम करती हूँ, मैं ना यहाँ से भाग जाती हूँ। नहीं नहीं ऐसा गलती से भी मत सोचना, आपको क्या लगता है आप यहाँ से भाग जाओगी और वो कुछ भी नहीं कर पाएगा? वो इंसान नहीं
हैवान है हैवान, आप चाहे इस दुनिया की किसी भी कोने में हो, वो आपको ढूंढ के निकालेगा। आपका भागना सही नहीं रहेगा। देखो आप घबराओ मत, मैं आपके साथ हूँ। मेरे पास ना एक उपाय है, ये देखो इस रुमाल में मैंने बेहोशी की दवाई मिला रखी है। आप उनके पास जब जाओगी और आपको कभी कुछ गलत लगे, अगर वो आपके साथ गलत करने वाले ही हो ना, आप तभी इस रुमाल को उनकी नाक पे लगाकर उनको बेहोश कर देना और फिर अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाना। ठीक है, लेकिन देख ले, अगर तू गलत हुआ ना तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, कहीं का नहीं छोड़ूंगी, सच बता रही हूँ मैं। ठीक है मेम साहब, आपको जो करना है वो कर लेना, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रहा। अरे यार कहाँ रह गई है, इतना टाइम लगा दिया। थैंक यू, तूने मेरी इतनी मदद करी। ज्योति, ज्योति। हाँ आ रही हूँ। मैं जाती हूँ, कुछ भी गड़बड़ होगी तो मैं ये हैंकी यूज कर लूंगी। कहाँ रह गई थी, कितना टाइम लगा दिया तुमने? वो एक्चुअली गर्मी की वजह से ना थोड़ा स्टमक डिस्टर्ब है। ओहो अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। तुम एक काम करो, तुम ठंडा पियो, तुम्हारा पेट भी ठीक हो जाएगा। हाँ पीती हूँ। हाँ। पियो ना, क्या हुआ? पी रही हूँ, मैं बस ये सोच रही थी कहीं से पी के और ज्यादा खराब ना हो जाए मेरा पेट। अरे नहीं बेबी, तुम कैसी बात कर रही हो, तबीयत ठीक होगी तभी तो हम आगे कुछ कर पाएंगे। ये क्या पियो तुम? अरे पियो ना, क्या हुआ? अभी थोड़ी देर में पीती हूँ। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ पहले से बेटर है। तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। अरे तुम कोल्ड ड्रिंक पियो। ये इतना फोर्स क्यों कर रहा है मुझे? लगता है नौकर सही कह रहा था, ये बिल्कुल ठीक आदमी नहीं है। तुमने कुछ कहा? नहीं नहीं मैं कुछ नहीं कह रही थी। हाँ तो पियो ना बेबी, इतना टाइम लगा रही हो, क्या हो गया? चलो कोई बात नहीं, मत पियो। मुझे लग रहा है तुम्हारा मूड कुछ और करने का है ना? क्या कर रहे हो? अरे प्यार कर रहा हो अपनी बेबी को। और शादी से पहले? अरे बेबी तुम आज के जमाने में ये सब बातें कर रही हो, कम ऑन यार, आजकल लोग तो शादी से पहले भी कर सकते हैं, उसमें क्या है? और वैसे भी शादी के बाद तो करना ही है, हम एक दूसरे से प्यार जो करते हैं। बट सही नहीं है ना ये? तुम इतना ऑकवर्ड क्यों फील कर रही हो? मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, क्या हो गया तुम्हें? रुको रुको, तुम्हारे साथ यहाँ पे कुछ लगा हुआ है फेस पे। हाँ क्या क्या लगा हुआ है? मैं साफ करती हूँ। अब क्या है? मीना कहीं का, अपनी गर्लफ्रेंड की इज्जत लूटना चाहता था, फायदा उठाना चाहता था। मैं कितना प्यार करती थी इससे, कितना ट्रस्ट करती थी इस पे, और ये मुझसे प्यार नहीं करता था, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे से मजे लेना चाहता था। मैंने कभी नहीं सोचा था ऐसे घटिया इंसान से मुझे प्यार होगा। मैंने तो क्या कुछ नहीं सोचा था, अपने पेरेंट्स को भी मना लिया था इसके लिए, लेकिन ये तो बहुत ही घटिया इंसान था। न जाने कितनी ऐसी लड़कियों के साथ इसने ये सब हरकत करी है सिर्फ अपने फायदे के लिए। मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे, बहुत ही वाहियत इंसान है तू। यहाँ से निकल जाऊँ उसके बाद ना पुलिस में कंप्लेन करूंगी, लेकिन यहाँ से अभी पहले मुझे निकलना होगा इसके होश आने से पहले। अरे कहाँ जा रही हो जाने मन? ये क्या बदतमीजी है, हाथ छोड़ो मेरा, बाहर जाना है मुझे। तुम्हारा हाथ मैंने छोड़ने के लिए थोड़ा ना पकड़ा है। बकवासबाजी कर रहे हो, नौकर हो नौकर की तरह रहो, समझे? अरे ओ मैडम मैं कोई नौकर वोकर नहीं हूँ, ये सब तो मेरा एक नाटक था ताकि मैं तुम्हें पा सकूँ। तुम्हें पता है मैंने जब से तुम्हें देखा है ना तुम्हारे प्यार में पागल सा हो गया हूँ, मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। तुमने क्या किया है, तुमने मेरी बातों में आकर अपने 2 साल पुराने प्यार को बेहोश कर दिया। सच में किसी ने सही कहा है, लड़कियाँ ना बहुत बेवकूफ़ होती हैं। तो बस मैंने इस घर के पिछले नौकर को हटवाया और यहाँ नौकर बन के आ गया सिर्फ और सिर्फ तुम्हें पाने के लिए। तुम अपनी बकवास बंद करो। तुषार तुषार उठो, हाथ छोड़ो मेरा, और ना मेरे करीब आए ना तो देख लो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, छोड़ोगे नहीं मैं तुम्हें। हाँ हाँ
मारो आवाज। हाँ वो कोई उठने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने उसे बेहोशी का हैवी डोज दिया था 2 दिन से पहले। उसकी आंखें खुलने नहीं वाली। और चिल्लाओ जितना चिल्लाना है तुम्हें, यहाँ पे आसपास कोई नहीं रहता, अब यहाँ मैं और तुम्हें। तुषार उठो, तुषार। अब चलो मेरे साथ, आज मैं तुम्हें अपना बना के ही रहूंगा। छोड़ो मेरा तुषार, तुषार उठो।